उत्तराखंड के हरिद्वार से जल कलश यात्रा अयोध्या जाएगी। मुरादाबाद में हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इसको लेकर पूरा देश राममय हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार से महंत रविंद्रपुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गंगोत्री यमुनोत्री का गंगाजल लेकर कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये गंगाजल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल किया जाएगा। आज ये कलश यात्रा मुरादाबाद पहुंची, जिनका स्वागत मुरादाबाद SP हेमराज मीणा, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह सहित जनपद वासियों ने इस कलश यात्रा का फूल बरसा कर भव्य स्वागत किया। 121 महंत रविंद्रपुरी महाराज कलश यात्रा का संचालन कर रहे थे। आज का मतलब ये जो आइए देखिए, लगभग 550 वर्षों से अथक संघर्ष करने के पश्चात, लाखों बलिदान करने के बाद हमको भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन होने जा रहे हैं और हम आज गंगोत्री धाम से पवित्र अयोध्या धाम तक ये गंगोत्री धाम का पावन जल लेकर हमारे रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में हजारों संतों और साधु और महात्माओं के साथ साथ हमारे मुरादाबाद के भक्तों ने भी इस यात्रा का स्वागत किया और इस यात्रा में राम में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए इसका स्वागत किया, संतों का आदर सत्कार किया और अभी ये यात्रा अपने गंतव्य अयोध्या धाम तक जा रही है। इस जल का प्रयोग है गंगोत्री, गंगा जहां उतरी उस गंगा जल के धारण करने से, छिड़कने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पवित्र पावन जल वहीं से आया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। गंगा जी तो यहां भी आती है लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसमें मल मूत्र कचरा इत्यादि डाल देते हैं, लेकिन ये गंगोत्री धाम का परम जल है जिसके प्राप्ति से, जिसके पान करने से, जिसके हमारे ऊपर छिड़कने से ही हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।